साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ घोटाला, जिलाधिकारी से की गई शिकायत। अब खबरें विस्तार से। खबर यूपी के जनपद संभल थाना गुतरौर के ग्राम ईशमपुर डांडा के शिक्षक भुवनेश कुमार, जो जूनियर शिक्षा संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने फास्ट न्यूज इंडिया के रिपोर्टिंग इंचार्ज को एक अपना इंटरव्यू देकर बताया कि हमारे गांव के लगभग 70 वोट हैं, जो इस गांव के रहने वाले हैं उनके वोट काट दिए गए हैं, और जो लोग हमारे गांव में रहते ही नहीं उनके 40 वोट बढ़ा दिए गए हैं। और इस गांव के रोहन दयाल, जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी हमारे फास्ट न्यूज इंडिया चैनल के रिपोर्टिंग इंचार्ज गुतरौर को अपनी बाइट देकर अपनी बात रखी। देखिए गुतरौर से हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम जनपद संबल थाना गुन्नौर के ग्राम ईशमपुर में आए हुए हैं। अभी आज यहां पर डीएम महोदय जी आए हुए थे, और आइए उनके संबंध में यहां क्या क्या चर्चा हुई, क्या बातें हुई, जानकारी लेते हैं। सर, अपना परिचय देते हुए हमें कुछ बताएं आज के बारे में। मुझे भुवनेश कुमार शिक्षक मेरा नाम है। जी सर। मैं यहाँ जूनियर शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष भी हूँ। जी सर। स्वतंत्र नियुक्त समिति का जिले में काम देखता हूँ। जी सर। और आरएसएस में सेवा भारती का जिला मंत्री। जी सर। सर, आज जो हुआ था, आज आप भी वहाँ उपस्थित थे, तो आज क्या प्रोग्राम किस तरह से सर ने बताया था? जब डीएम साहब एसपी साहब आए तो अभी दो दिक्कतें हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चले। एक तो अभी हमारे जो रियल गांव के रहने वाले हैं। जी सर। 77 नाम उनके मिली भगत करके काट दिए गए, जो गांव के रहने वाले उन लोगों की। जी सर। और 40-42 नाम जो कार्य में जुड़ने थे वो जुड़ने से रह गए, और 24-25 नाम जो इस गांव के रहने वाले हैं ही नहीं। जी सर। वो उसमें सूची में जोड़ दिए गए। जब ये दिख रहा है विपक्षियों को हम हार रहे हैं, तो तमाम काम करके कम से कम 150-200 वोटों का गबर झाला उसमें किया गया है हमारी मतदाता सूची में। सर, अभी बताया था सर ने कि जो गड़बड़ है उसको सही कर दिया जाएगा, आपको क्या उम्मीद है? अब तो हमें उम्मीद है, बाकी तो कल एसडीएम साहब ने पहले आदेश कर दिया था, उस आधार पर हमने वो जो नई लिस्ट है, जी जो नाम कटे हैं और जो छूटे थे, जी सर, वो सब हमारे जो बीएलओ हैं और जो सुपरवाइजर हैं, जी सर, उन्होंने जांच करके और जांच आख्या लगा के वो सारे फार्म 119 फार्म है वो ऊपर को भेज दिए। जी सर। तो अभी आज हम गए, कुछ नाम रह गए थे कटे हुए। जी सर। कल ही उनपे तहसीलदार साहब ने आदेश दिया है। जी सर। वो देने गए तो उन्होंने ये कहा नहीं, ये तो आपके वो भी लौट के आ रहे हैं जो कल भेजे थे। जी सर। तो हमको तो बड़ी चिंता हो गई। जी। तो एडीएम साहब से मिलने जा रहे थे, तभी पता चला कि डीएम साहब और कप्तान साहब दोनों गाँव में आ रहे हैं। जी सर। तो हमने कहा इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, उनके सामने हमारी बात पर रखी। सर की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, इन्होंने एक समाज के लिए, उस गांव के लिए जो जो कमियां थी उसके बारे में बताया। और बताना चाहते हैं सर, बताइए और कोई। एक मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे गांव में 70 साल से एक ही परिवार का राज है एक प्रकार से। जी सर। और तमाम तरह की दबंगी और बल और डंडे के बल पर चुनाव को प्रभावित किया जाता है। जी सर। ये भी हमने निवेदन एसपी साहब से पहले मिलकर किया था, एमपी साहब साथ में थे और विधायक जी भी थे, तो आज हम इस बात को भी रखते हैं। जी सर। आए थे इसलिए उन्होंने पहली बार ये कह दिया आती अपने आप का आपका गांव हिट लिस्ट में है। जी। तो बात हम नहीं रखती, नहीं रखी, तो यही निवेदन करना चाहते हैं शासन प्रशासन से। जी सर। कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जो भी आवश्यक चीज है, चाहे वो बूथ हमारा संवेदनशील हो, चाहे वीडियोग्राफी व्यवस्था हो, वो सारी की जाए, जिससे गाँव इस बार पूरी तरह से बदलाव के मूड में है, और अगर उसको मौका मिलेगा मतदाता को सुनता पूर्वक मत डालने का, निश्चित रूप से बदलाव होगा। तो ही हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं सभी अधिकारियों, शासन प्रशासन से, कि बूथ की हमारी व्यवस्था ऐसी की जाए कि मतदाता अपनी इच्छा से बिना किसी डर भय के मत का इस्तेमाल कर सके। धन्यवाद सर ने, बहुत अच्छा बताया कुछ जाने भी कहना है। इस गाँव के बारे में एक सज्जन और है, आइए उनसे भी कुछ बात करते हैं। बताइए अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम रघुवर दयाल है। जी। मैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी से बूथ अध्यक्ष हूँ। जी सर। मेरा कहना ये है कि डीएम साहब ने ये कहा था कि अब के इतने मुचलके इतने इतने पैसे के। जी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे बूथ पर वीडियोग्राफी की जाए। जी। अगर कोई झगड़ा भी होता है। जी। तो जो उसमें है। जी। वास्तविक रूप से है। जी। उसी पे वो कार्रवाई की जाए। जी। तो मेरा निवेदन ये है कि हमारे बूथ पर वीडियोग्राफी जरूर की जाए। जरूर की जानी चाहिए, वीडियोग्राफी जरूर होनी चाहिए, जिससे कि कोई जो ना हो और किसी के कहने पर या पार्टी पॉलिटिक्स के मामले में और उसे जबरदस्ती उस पर कार्रवाई की जाए, ये नहीं होने पाए। बिल्कुल सही बोला सर ने कि करता कोई है, भरता कोई है। जी जी। इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। जो
किसी तरह की उद्दंडता करे, कार्रवाई उस पर ही हो। जी जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, नमस्कार।